नमस्कार, मैं हूँ आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। एटा चुनाव अपडेट। एटा विधान परिषद शिक्षक और स्नातक का मतदान जारी। भाजपा के राज्यसभा सांसद हरनाथ सिंह यादव ने किया मतदान। स्नातक एमएलसी के लिए राज्यसभा सांसद ने किया मतदान। हरनाथ सिंह यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी सीटों पर स्नातक और शिक्षक के प्रत्याशी को जीतने का किया दावा। राज्यसभा सांसद ने एटा के जवाहरलाल नेहरू डिग्री कॉलेज में किया मतदान। प्राइम न्यूज 24 से विकास दुबे, एटा की रिपोर्ट। सांसद जी, अभी आप मतदान करने के लिए आए हैं और मतदान किया अभी आपने? कैसा मतदान चल रहा है, अब क्या संदेश देना चाहते हैं आप? देखिए, ये स्नातक क्षेत्र का चुनाव है और स्नातक क्षेत्र से जो विधान परिषद में चुन के जाते हैं उनकी एक अलग विशिष्ट पहचान होती है और वो आम नागरिक की जिंदगी से जुड़े हुए सवालों के साथ साथ जो स्नातकों की अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं उन्हें सदन के अंदर सही तरीके से उठाना, उनका निदान करना, ये विशेष तौर से रहता है। और भारतीय जनता पार्टी अब की बार बड़े पूरे मनोयोग के साथ जो है सभी सीटें लड़ रही है, स्नातक क्षेत्र की, शिक्षक क्षेत्र की, और हमारा पूरा विश्वास है कि हम सभी सीटें जीतेंगे और विपक्ष का पूरी तरीके से इन सीटों पर सफाया। मतदान शांतिप्रिय हो रहा है, चल रहा है मतदान? बिल्कुल शांतिप्रिय है, तो पढ़े लिखे लोगों का चुनाव है, इसमें कोई अशांति की कोई गुंजाइश नहीं किसी प्रकार की। हा? और दूसरे, भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेती है और एक चुनाव होने के बाद तुरंत बिना कोई क्षण खोए दूसरे चुनाव की हम तैयारियां शुरू कर देते हैं। बाकी के दल जो है उन लोग वो चुनावी दल है, चुनाव के समय पर आए और तुरंत चुनाव खत्म हो गया, घर पर जाके बैठ गए। हमारा चाहे छोटा चुनाव हो चाहे बड़ा चुनाव हो, किसी भी प्रकार का चुनाव हो, हम पूरी तन्मयता के साथ पूरी पार्टी जो है नीचे से बूथ स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक के सारे हमारे पदाधिकारी और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक जो है इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और चुनाव इसीलिए हम लोग चुनाव में सफलता मिल रही है सब और जनता हमको स्वीकार कर रही है। ठीक है, धन्यवाद।